हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं जिस वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है रुपी फॉर क्लिक। ठीक है, बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे एंड कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इस वेबसाइट को रिव्यू करूं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वेबसाइट पे शायद काम कर रहे हैं एंड काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने थ्रेशोल्ड कंप्लीट भी कर लिया है बट पेमेंट का इशू आ रहा है। उनका कहना है कि पेमेंट उनकी रिव्यू में है, अभी नहीं आई है, कितना टाइम लगेगा। आप लोग जानना चाहते हैं कि वाकई ये वेबसाइट लेजिट है या नहीं है। तो गाइस देखो, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी इस वेबसाइट के बारे में, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है। आप इसी वेबसाइट पे नहीं बल्कि आप किसी भी वेबसाइट पे काम करें तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है, जिन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, ठीक है, मुझे जो भी लगा इस वेबसाइट के बारे में वो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ जो मुझे थोड़ा सा डाइसी लगी वो मुझे ये लगी कि ये वेबसाइट जो है ये कहती है कि हम आपको 100 रुपीज़ पर रेफरल देंगे। ठीक है, 100 रुपीज़ पर रेफरल, आप सोच सकते हैं मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है रेफरल का 100 रुपीज़। ठीक है, मतलब सिर्फ अगर आप किसी को रेफर करते हैं, कोई आप साइनअप आप किसी से कराते हैं तो आप 100 रुपीज़ आपको मिलते हैं। ठीक है, यही चीज अगर हम बाकी की वेबसाइट्स की बात करें, बाकी की जो एप्स हैं, तो वहां पे ये जो अमाउंट होता है ना रेफरल का, इट इज नॉट मोर देन 10 रुपीज। मतलब बहुत कम एप्स होंगी जो 10 रुपीज से ज्यादा आपको ऑफर करती होंगी। तो पहला पॉइंट मुझे ये तो बहुत ही अटपटा सा लगा कि यार सिर्फ एक रेफर के तुम 100 रुपीज दे रहे हो एंड 10 रुपीज पर रेफरल लिंक क्लिक आपको देंगे। यानी कि अगर आप अपना लिंक किसी को फॉरवर्ड करते हो एंड वो आपके लिंक को क्लिक कर लेता है, मतलब क्लिक करके कहीं पे भी वो चाहे साइन अप करे चाहे ना करे, ठीक है, उसके आपको 10 रुपीज ये वेबसाइट दे रही है। मतलब जो बाकी की वेबसाइट, जो बाकी की एप्स जिसपे रेफरल का अमाउंट देती हैं जितना, उतना ये वेबसाइट सिर्फ आपको लिंक क्लिक के दे रही है। एंड 5-10 रेफर तो लोग ऐसे ही करा लेते हैं आज के टाइम पे, मतलब अपने फ्रेंड्स को बोल के, फैमिली को बोल के। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आप यहाँ पर, थोड़ा सा सोचो इस चीज को। एंड गाइस देखो, इसके अलावा यहाँ पे आपको देखो ऐप इंस्टॉल करने के, मतलब सिर्फ आपको उन एप्स को इंस्टॉल करने के, डाउनलोड करने के, मतलब उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के आपको 200 रुपीज़, 150 रुपीज़, 300 रुपीज़, मतलब इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा है और सिर्फ एक ऐप को इंस्टॉल करने का, मतलब खुद सोच के देखो यार। ठीक है ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अटपटी सी लगी। ठीक है, अब ये तो चीज़ें होगी हमारी, मतलब जो ये अर्निंग्स जहाँ से हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि जब आप यहाँ पे अपना थ्रेशहोल्ड कंप्लीट कर ले रहे हो, 5000 आपने कर लिए यहाँ पर, उसके बाद जब आप मनी विड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पे वो बोल रहा है दो वेरिफिकेशन आपको करनी है, दैट इज फ्रॉड वेरिफिकेशन एंड द सेकेंड इज टैक्स वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो वेरिफिकेशन आपको करनी है। अब देखो फ्रॉड वेरिफिकेशन के अंदर भी आपको क्या यहाँ पे करना है, एक आपको कंडीशन मिली हुई है कि इतने इतने आपके रेफरल्स होने चाहिए, इतने इतने आपके रेफरल लिंक क्लिक्स होने चाहिए एंड इतने ऐप इंस्टॉल्स आपने करने हैं। अब वो ऐप इंस्टॉल करने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, अब एक ये चीज़ होगी फ्रॉड वेरिफिकेशन, चलो मान लेते हैं हमने ये भी कर लिया। अब ये चीज़ आती है दैट इज टैक्स वेरिफिकेशन। अब इसमें देखो क्या यहाँ पे अजीब सी चीज़ है, ये लोग आपसे बोल रहे हैं कि डाउनलोड द टैक्स फॉर्म। ठीक है, लेकिन वो टैक्स फॉर्म अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाया, किसी से भी नहीं हो पाया, मतलब मुझे तो कोई भी नहीं दिखा इंसान इंटरनेट पे जिसने कहा हो, गूगल पे, यूट्यूब पे, जिसने कहा हो कि वी कैन डाउनलोड दिस फॉर्म। ठीक है, किसी से भी डाउनलोड नहीं हुआ। अब यार एक सोचने वाली चीज़ है कि कोई, मतलब कोई इतनी बड़ी कंपनी है जो बोल रही है कि हम इतना इतने, मतलब 100 रुपीज़ पर रेफरल वो दे रही है तुमको, हर चीज़ मतलब अच्छा अमाउंट दे रही है, और उसने एक फॉर्म होस्ट नहीं कर रखा अपना जो इतने टाइम से अपनी वेबसाइट पे दिखा रही है, क्यों अवेलेबल नहीं है वो फॉर्म, ताकि उनके पास एक रीज़न हो जाए पेमेंट ना करने का। मतलब ये सारी चीज़ें ना आप समझ पा रहे हो, ये एक लूप में फंसाने के लिए हो रहा है आपको, अल्टीमेटली आप एक लूप में फंसे रहो एंड काम तो आपने कर दिया जो भी आपको करना था काम। ठीक है, अब देखो इसके पीछे रीज़न क्या होता है ना, शुरू शुरू में जब भी कोई ऐप आती है ना मार्केट में तो क्या होता है, वो पेमेंट करती है शुरू शुरू में, हर ऐप मतलब पेमेंट करती है। क्यों करती है? ताकि उसको रिव्यूज मिले, अगर रिव्यूज होंगे, इनिशियल रिव्यूज मिल जाएंगे किसी भी ऐप को अच्छे, तो वो ऐप चल जाएगी मार्केट में, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो इसलिए मतलब इनिशियली ऐप्स जो हैं या वेबसाइट्स जो हैं वो पेमेंट करती हैं। ठीक है, इस तरीके की, बट कुछ टाइम बाद उनके लिए वाकई पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी ज्यादा पेमेंट कर पाना, इतना ज्यादा काम करके दे रहे हो कि आप वहां पर, आप क्या कर रहे हो, ऐप इंस्टॉल ही तो कर रहे हो, डेटा एंट्री का काम ही तो कर रहे हो, कैप्चा ही तो फिल कर रहे हो, कैप्चा के आपको कितने मिलते हैं बाकी की वेबसाइट्स में ये बताओ,
आपको डेटा एंट्री के काम के कितने मिलते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हो अगर आप, अगर हम मैं किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म की बात करूं जैसे फीचर पॉइंट हो गया, स्वैगबक्स हो गया, उन पे अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हो आपको कितने रुपए मिलते हैं एक ऐप को इंस्टॉल करने के? 5 रुपए हो सकता है, 5 रुपए मिलते हो, 10 रुपए मिलते हो मैक्सिमम। तो ये मतलब यहाँ पे आपको 200 रुपए कैसे मिल जाएंगे बताओ, ये कंपनी कैसे दे सकती है? आपने ये बात सोची कभी भी? ठीक है, तो मतलब ये है कहने का कि ऐसी किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है यार कि अगर पूरी मार्केट अगर बोल रही है, जिन लोगों ने उसको यूज किया है ऐप को, वो बोल रहे हैं इट्स नॉट जेन्युइन, पैसा नहीं आया, एक का नहीं कितनों का नहीं आया, तो इस चीज को प्लीज इतना ज्यादा डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन जॉब्स करने के लिए लेजिट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे जाओ, ठीक है, वहां पे जॉब सर्च करो। ऐसे ही किसी भी वेबसाइट पे, चाहे ये है चाहे बाकी की डेटा एंट्री वेबसाइट्स हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है आज की डेट में डेटा एंट्री वेबसाइट्स को लेकर के भी। एंड मैंने तो अपना रिव्यू आपको बता दिया कि मैं नहीं चाहूंगी कि आप इस वेबसाइट पे काम करो। फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है अगर लोगों की, या मतलब किसी की भी जैसे पेमेंट आई है या कुछ भी, तो मैं ज़रूर दूंगी आपको, बट फिलहाल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी इस वेबसाइट को। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम था आपको गाइड करना। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं चाहूंगी आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे एंड उनका भी टाइम बचे, ठीक है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम एंड हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ताकि आप सभी लोग घर बैठे मनी अर्न कर पाएं। सो गाइज, इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।